ओके, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक दूसरा प्रोग्राम जिसका नाम है, यहाँ से लेंगे हम वर्ड पेड। ठीक है, तो ये वर्ड पेड का जो प्रोग्राम है हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारे सामने लॉन्च हो जाएगा। तो ये जैसे ही हमारे सामने लॉन्च होगा तो ये अगर आप देखें तो नॉट पेड से थोड़ा सा एडवांस है। नॉट पेड भी टेक्स्ट एडिटर है, वर्ड पेड भी टेक्स्ट एडिटर है, पर दोनों में फ़र्क ये है कि नॉट पेड इसका बेसिक वर्जन है जबकि वर्ड पेड इसका एडवांस वर्जन है। अब नॉट पेड और वर्ड पेड में क्या फ़र्क है? देखिए, ये एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, सिंपल टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, और ये जो है एक रिच टेक्स्ट फॉर्मेट टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा देता हूँ, यहाँ से थोड़ा कम ज़्यादा कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसका आगे चलते हैं और नोट पैड में। तो देखिए, इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि जब मैं फॉर्मेट में जाके फॉन्ट यहाँ से इसका नोट पैड का बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप नोट करेंगे जब मैं नोट पैड का फॉन्ट वगैरह बढ़ा रहा हूँ तो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि ये ओवरऑल फॉन्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, चेंज कर रहा हूँ, ओवरऑल फॉन्ट चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। और अगर इसी तरीके से मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इस सिर्फ इतने हिस्से का फॉन्ट बढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ इस पे ही इफेक्ट पड़ रहा है, और यहाँ से जाके इसका कलर वगैरह चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ से सिर्फ इस पे ही इफेक्ट पड़ रहा है और उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आप सबको। तो यहाँ से क्लिक करके हमने यहाँ पर डिफरेंट काम इस पे कर सकते हैं। अब वर्ड पेड जो है वो क्या है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट एडिटर है। इस पर हम क्या बना सकते हैं, आप इसके ऊपर बना सकते हैं कोई भी लेटर टाइप कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, इसके ऊपर एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, और ये चीज़ें हम इस पे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये ज़रा फ़र्क है वर्ड पेड में और नोट पेड में। ठीक है, एक मिनट। तो उसके बाद हमने यहाँ पर जो है सपोज टू बी अब वर्ड पेड पे कैसे काम करना है। वर्ड पेड पे काम करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमने सबसे पहले जब वर्ड पेड खोलना है तो स्टार्ट में जाके यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे वर्ड पेड पे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने आ जाएगा। तो इसके अंदर आपने ना एक फाइल क्रिएट कर लेनी है। अब किस तरह की फाइल क्रिएट करेंगे, जैसे हम नोट पेड में फाइल बनाते थे इसमें भी फाइल बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, फाइल में जाके हम यहाँ से क्लिक करेंगे सेव के बटन पे। जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट किस्म के फोल्डर्स आ जाएंगे, डेस्कटॉप आ जाएगा। तब हमें कहाँ फाइल सेव करनी है, तो जहाँ भी हमें फाइल सेव करनी है, जैसे मुझे डॉक्यूमेंट्स में करनी है तो मैं यहाँ से जाके वर्ड पेड फाइल्स के अंदर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाके एक फाइल बना लेता हूँ जिसमें बहुत सारी पहले से फाइल बनी हुई है। तो इसमें एक फाइल बना लेता हूँ सपोज टू बी माई स्पेस के नाम से एक फाइल बना लेते हैं, और उस फाइल का नाम मैंने रखा है देखिए माई स्पेस, और उसकी जो टाइप है डॉट आर टी एफ है। सेव करेंगे यहाँ पे तो ये हमारी फाइल सेव हो जाएगी माई स्पेस डॉट आर टी एफ के नाम से। सही है, आर टी एफ इसकी टाइप है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट माई स्पेस इसका नाम है। अब उसके बाद अब इसके अंदर कुछ भी हम टाइप करेंगे, ये इसका टेक्स्ट एडिटर है, ये इसका रूलर है, हॉरिजॉन्टल रूलर है। इसको यहाँ से व्यू में जाके हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, स्टेटस बार को रूलर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, 100% पे जूम कर सकते हैं। ठीक है, होम पे क्लिक करेंगे और यहाँ फाइल में जाके हम क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो अभी हमने अपनी फाइल को सेव कर दिया और इसमें हम लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई एप्लीकेशन लिख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर 2 डेज लीव। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर 2 डेज लीव, ठीक है, तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा अब मुझे छोटा दिख रहा है तो मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ यहाँ से जूम इन करके, तो देखिए मुझे बड़ा बड़ा सा दिखने लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इंटर करके नीचे आ जाते हैं, और इंटर करके नीचे आने के बाद हम यहाँ पे ये करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर 2 डेज। अच्छा, ये जूम इन जो मैंने किया है ये सिर्फ मेरी स्क्रीन को फोकस किया है, फॉन्ट के साइज को इसने बड़ा नहीं किया, ये जहन में रखिएगा। तो एप्लीकेशन फॉर 2 डेज लिखने के बाद हमने लिखा टू द, अच्छा अब ये एप्लीकेशन फॉर 2 डेज लीव हमने ऊपर लिख दिया, ये हम यहाँ शुरू में आ गए कर्सर लेके इंटर करके नीचे आ गए, यहाँ पे लिखा टू द द, टैप करेंगे, टैप टैप का बटन दबाएंगे तो ये 10 स्पेस आ जाएंगे, टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट, चलो यहाँ लिख लेते हैं न्यू अलुसैनी
कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोहम्मदी टाउन, शहदादपुर। ठीक है, यहाँ पर डिलीट कर दिया। यहाँ पे लिखा एप्लीकेशन फॉर 2 डेज लीव, यहाँ पे लिया आगे, और यहाँ पे लिखा फ्रॉम कौन सी डेट से चाहिए, सपोज 2 जुलाई 2024 टू 4 जुलाई 2024, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे लिखा रिस्पेक्ट और सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम। उसके बाद कॉमा किया, एंटर, टैब दबाया। देखिए मैं जो एकदम 10 स्पेस ले रहा हूँ वो टैब के बटन से ले रहा हूँ। कौन से बटन से ले रहा हूँ? टैब। ये देखिए ओएस के लिख के मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये वाला बटन है, ये बटन, ये एक स्पेस देगा और ये कितने स्पेस देगा? 10 स्पेस देगा, ठीक है। सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल विद ड्यू रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट I have an urgent work at my home, therefore I cannot attend my class regularly. ठीक है, enter tab. Therefore you are requested kindly grant me leave for 2 days. I shall be very thankful to you and pray for your health. ठीक है, enter, enter, enter yours, obi, ed, साथ साथ सेव करते जाएं। सेव का ये क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ है, शॉर्टकट यहाँ से भी हो सकता है सेव, फाइल में जाके यहाँ से भी सेव किया जा सकता है, दोनों बात एक ही है। फाइल में ज़रा सेव करके यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ सेव भी कर सकते हैं। योर्स ऑबी नेंटली, और जो भी नाम लिखना था, योर्स स्टूडेंट, ठीक है, और आज की डेट डाल देंगे हम यहाँ पे, सपोज टू बी 1 जुलाई 2024, और साथ साथ बार बार सेव करते रहेंगे। सही है, समझ में आ रही है बात ये? तो इस तरह से आप जो है ना ये एक एप्लीकेशन टाइप करने में कामयाब हो गए। अब मैं इसको बंद कैसे करूंगा? फाइल में जाऊंगा, एग्जिट करूंगा, यहाँ से बंद हो गई फाइल। कहाँ सेव हुई है? फाइल में जाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से जाऊंगा फोल्डर के अंदर, वर्ड पेड नाम का फोल्डर है, उसमें जाएंगे और यहाँ पे जाके हम देखेंगे हमारी फाइल ये सबसे टॉप पर आ रही है, माई स्पेस, और इसकी टाइप देखिए क्या है, .rtf। अब ये टाइप कैसे शो होती है, देखिए व्यू के टैब में जाएंगे, और व्यू के टैब में जाके हिडन आइटम पे से चेक हटाएंगे, तो यहाँ पर से देखिए टाइप गायब हो जाएगी, सॉरी फाइल टाइप पे से चेक हटाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ से टाइप गायब हो जाएगी, सिर्फ फाइल का नाम रह जाएगा जो हमने रखा है, और जाके चेक लगाएंगे तो टाइप भी जाहिर हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे नोटपैड वाले में, तो नोटपैड की जितनी फाइल्स हमने सेव की थी उन सब की टाइप में देखें .txt दिखाई दे रहा है, तो नोटपैड की फाइल की टाइप में होता है .txt, और वर्डपैड की फाइल की टाइप में होता है .rtf, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, क्योंकि वर्डपैड में क्रिएट होती है। अब इसको वर्डपैड में कैसे खोलेंगे? एक तो तरीका है, राइट बटन दबाएंगे, ओपन विथ करेंगे, और यहाँ पर नीचे आएंगे मोर एप्स में, और यहाँ पर सर्च करेंगे वर्डपैड, जो कि हमें यहाँ मिलेगा, क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे, तो ये हमारी फाइल जो हमने क्रिएट की थी इसके अंदर ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि पहले वर्डपैड खोलेंगे, तो यहीं से जैसे हमने पहले वर्डपैड को खोला था, वर्डपैड क्लिक करेंगे, वर्डपैड खुल जाएगा, क्लिक करेंगे, ये दोबारा से एक नई फाइल लेके खुलेगा। हम ये फाइल नहीं चाह रहे, तो फाइल में जाएंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद कहाँ जाएंगे? जहाँ पे हमने अपनी फाइल को सेव किया था, कहाँ पे? डॉक्यूमेंट्स में एक फोल्डर बनाया था वर्डपैड के नाम से, तो वर्डपैड के नाम से एक फोल्डर था हमारा यहाँ पे वर्डपैड फाइल्स के नाम से, ये रहा, उस फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करके हमारी जो फाइल है वो सर्च करनी पड़ेगी, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है। इसका एक तरीका बताता हूँ, जो फाइल लास्ट टाइम काम हुआ है वो सबसे ऊपर आ जाए, तो यहाँ राइट बटन दबाएंगे, सॉर्ट बाय में जाएंगे और डेट मॉडिफाइड पे क्लिक करेंगे।
अब हम कह क्या रहे हैं इस कमांड के जरिए इस फोल्डर में कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो भी अभी लास्ट फाइल हुई है उसको सबसे ऊपर ले आओ। तो ये देखें सबसे ऊपर आ गई आपकी फाइल माई स्पेस, मतलब वो जो फाइल लास्ट टाइम जिसपे काम किया होगा इस कमांड के जरिए वो सबसे ऊपर आ जाती है और उसको ओपन कर देंगे। तो ये देखें वो फाइल इसके अंदर खुल गई। अब हम आते हैं इस फाइल के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो हम फॉर्मेट वगैरह कैसे देते हैं, कैसे स्टाइल देते हैं उसको देखते हैं। देखिए ये इस सॉफ्टवेयर का टाइटल बार है जिसमें सॉफ्टवेयर का नाम भी लिखा हुआ है, फाइल का नाम भी नज़र आ रहा है और ये इसका टाइप भी लिखा रहा है, ठीक है। और अगर देखें तो ये इसका क्विक एक्सेस टूल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार जिसमें यहाँ पे अंडू रीडू सेव की कमांड्स हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो ये फाइल का मेन्यू आ रहा है जहाँ से आप एक न्यू फाइल ले सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और सेव एज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो नीचे क्लिपबोर्ड का पैनल बना हुआ है, फॉन्ट का पैनल बना हुआ है, पैराग्राफ का पैनल बना हुआ है, इंसर्ट का पैनल बना हुआ है, एडिटिंग का पैनल बना हुआ है, ये मुख्तलिफ पैनल्स यहाँ पे बने हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर मुख्तलिफ कमांड्स हैं, जैसे पहले हम देखते हैं व्यू के टैब में क्या आ रहा है। व्यू के टैब में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके आगे व्यू का टैब आ रहा है। व्यू के टैब में यहाँ से आप इसको जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं अपनी विंडो को, जैसे मोबाइल पे जूम इन जूम आउट कर रहे होते हैं। फिर 100% पे जूम कर सकते हैं, मतलब आपने ज़्यादा जूम कर दिया है 100% पे जूम करना है, ज़्यादा जूम आउट कर दिया है 100% पे जूम करना है, तो इस तरह से कर सकते हैं। रूलर यह नज़र आ रहा है, इसको ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, स्टेटस बार को ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, इस तरह से। और अगर देखा जाए तो फिर हम दोबारा से आ जाते हैं यहाँ पे होम में, तो आपका ये जो रूलर देख रहे हैं इस रूलर में ये जो ग्रे एरिया है इसको लेफ्ट मार्जिन कहते हैं और जो ये वाला ग्रे एरिया इसको राइट मार्जिन कहते हैं। और ये हमारा जो है ये कहलाता है वर्किंग एरिया जिसके ऊपर हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट बॉर्ड इस तरह से हो रहा होता है। अच्छा अब उसके बाद होम के टैब में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे होम टैब, व्यू टैब, होम टैब में पहला पैनल है क्लिप बोर्ड पैनल, इसको अभी बाद में देखते हैं, पहले हम इनको देखते हैं फॉन्ट पैनल को। तो वर्डपैड में एक अच्छी बात ये है कि किसी भी सिलेक्टेड फॉन्ट को, मतलब जैसे मैंने ये फॉन्ट सेलेक्ट किया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये सारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद इसका फॉन्ट साइज यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ, इसका फॉन्ट मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा अलग अलग भी कर सकता हूँ, जैसे मैं सिर्फ इस हिस्से का फॉन्ट जो है थोड़ा सा और बढ़ा करना चाह रहा हूँ और इस हिस्से का फॉन्ट मैं थोड़ा सा और बढ़ा करना चाह रहा हूँ, तो ये काम मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ। फिर बी फॉर बोल्ड माने गहरा, मोटा गहरा हो जाएगा। आई फॉर इटैलिक टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, ये देखें इस तरह टेढ़ा हो जाएगा और फिर ये सीधा हो जाएगा। यू फॉर अंडरलाइन, इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, चेक हटाएंगे दोबारा से सेट हो जाएगा। राइट पे अलाइन कर लेंगे, लेफ्ट पे अलाइन कर लेंगे, सेंटर पे अलाइन कर लेंगे, लेफ्ट पे अलाइन कर लेंगे, इंक्रीज इंडेंट कर देंगे, डिक्रीज इंडेंट कर देंगे, ये चीज इस तरह से हो जाएगी। फिर सेलेक्ट करके इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करके एक डेढ़ लाइन का स्पेस है इसको खत्म करके एक लाइन के स्पेस पे ले आएंगे, 10 पॉइंट इसके खत्म कर देंगे, सवा लाइन का स्पेस, डेढ़ लाइन का स्पेस, 2 लाइन का स्पेस और यहाँ से दोबारा से 1 लाइन का स्पेस हम इसमें दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ क्लिक करके आपने इसको जो है स्पेस दे दिया और उसके बाद आप बुलेट्स भी दे सकते हैं, मतलब इन चीज़ों को हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से ऐसे बुलेट देके हाईलाइट भी कर सकते हैं। इनको हम नंबर बुलेट्स भी दे सकते हैं, कैरेक्टर बुलेट्स भी दे सकते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के बुलेट्स भी हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही है, तो ये इस तरह से आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस कमांड भी आप इस पर लगा सकते हैं, मतलब अगर अब ये खत्म करना है तो यहाँ से क्लिक करके हम इसको नन कर देंगे। ओके अब हम क्या करेंगे इसके साथ, अब फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड को कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर, अभी मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ उसका खत्म, तो ये नॉर्मल हो गया। अब कुछ भी फाइंड करना है इसके ऊपर कहीं भी शुरू में क्लिक करके यहाँ से फाइंड पे क्लिक करेंगे, जो फाइंड करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और फिक्स फाइंड करेंगे तो फाइंड हो जाएगा। रिप्लेस करना है, अभी देखते हैं रिप्लेस को भी, हाँ चलो रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ 1 जुलाई 2024 लिखा हुआ है। अब जुलाई की जगह पे मुझे लिखना है सपोज टू बी जून, तो क्या करेंगे हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से करेंगे रिप्लेस और हम कहेंगे कि भाई मैग्नीफायर खोल लेते हैं जरा एक मिनट, जहाँ पे लिखा हुआ है जुलाई वहाँ पे लिख देना है जून। तो पहले इसको करेंगे फाइंड करो, तो इसने फाइंड किया जुलाई, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाके इसको रिप्लेस ऑल करेंगे और जैसे इसको क्लिक करके इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ नहीं हुआ, नहीं हुआ, दोबारा से करते हैं, तो
तो जुलाई ऊपर लिखा, जून नीचे लिखा, रिप्लेस ऑल किया और इसको ओके कर दिया। तो जहां जहां पे जुलाई लिखा था वहां वहां क्या लिखा हुआ आ गया, जून लिखा आ गया। सही है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? इसी तरह से अगर कहीं पे जून लिखा हुआ है और वहां पे अगस्त लिखना है तो जून ऊपर लिखा और अगस्त हमने नीचे लिख के रिप्लेस ऑल कर दिया, ओके कर देंगे। तो जहां जहां पे भी जून लिखा हुआ था वहां पे क्या आ गया, अगस्त लिखा हुआ आ गया। तो देखिए इस तरीके से आप ये काम इजीली कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट की बात तो बहुत आसान है, मिसाल के तौर पे अगर आपने सेव कर लिया और सेव करने के बाद ये वाली पूरी एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट कर ली, यहाँ से कॉपी कर लिया, एक नई फाइल ली, न्यू फाइल ली और उस पर जाके पेस्ट कर दी, तो देखें पूरी एप्लीकेशन उसमें कॉपी होके पेस्ट हो गई। और उस फाइल को सपोज टू भी मैंने सेव कर दिया, सेव कर दिया, वो पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, मैंने कहा उसी फोल्डर में सेव करना है वर्ड फाइल्स के। अगर मैं दोबारा बता दूँ कैसे कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, यहाँ से सर्च करेंगे वर्ड पेंट फाइल्स और यहाँ पे जाके हम सेव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये एप्लीकेशन लिखी है शर्जील ने, शर्जील 2 days लीव, तो ये हमने इसको सेव कर दिया। तो देखें वही सारी फाइल सेव होके शर्जील के नाम से सेव हो गई। इस लाइन के नीचे मुझे अंडरलाइन देना है तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, ये अंडरलाइन हो गया, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड करेंगे तो ये देखें बोल्ड हो गया, और यहाँ पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो यहाँ से क्लिक करके इसके एंटर कर दिया और ये इस तरह से नज़र आ रहा है। सेलेक्ट कर दिया इसको यहाँ से और यहाँ पे क्लिक करके जस्टिफाई कर दिया कॉन्टेंट को तो जस्टिफाई नज़र आ रहा है, इस तरह से नज़र आ रहा है। अब कोई चीज़ कॉपी करके बार बार रिपीट करनी है, लेट सपोज अब इसमें तो ऐसा कोई कॉन्टेंट नहीं है रिपीट करने वाला, लेकिन फिर भी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने इस लाइन को यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको कॉपी किया, अब कहाँ रखना चाह रहे हैं तो इंटर करके नीचे आ गए, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ ये रिपीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने अब इसको फिल फर्ज इसको यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया और वो नीचे आ रहा है और उसको दोबारा से ऊपर लाना है, तो अब कॉपी पेस्ट नहीं बल्कि हम इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे और कट करके जहाँ पे रखना है वहाँ कर्सर को रख के पेस्ट कर देंगे, तो ये कट पेस्ट भी इस तरह से हो सकता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि नोटपैड जो है, वर्डपैड जो है वो नोटपैड से बेहतर है, काफ़ी एडवांस है और हम नोटपैड में सिंपल जस्ट लाइक लिख सकते हैं, जैसे नोटपैड एक रफ पैड को कहा जा सकता है, वर्डपैड ज़रा ऑर्गेनाइज पैड जिसके ऊपर आप कुछ टाइप वगैरह करके ऐसे या स्टोरी वगैरह भेज सकते हैं, ठीक है ना। अब आपने ये समझ लिया काम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम कोई पिक्चर भी इंसर्ट करा सकते हैं, अगर हम कोई ऐसे लिख रहे हैं, जैसे हमने एक यहाँ से न्यू फाइल ली और यहाँ पे हमने लिखा एक ऐसे जिसका नाम था द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, इसका टाइटल बनाना है, हमने इसको सेंटर अलाइन किया, देखिए इसमें सेंटर भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप सेंटर कर रहे हैं इसको, फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा रहे हैं यहाँ से और अच्छा सा इसका टाइटल बना रहे हैं, तो यहाँ से बोल्ड कर लें, अंडरलाइन कर लें और यहाँ से एंटर कर दें, तो लिखा गया कंप्यूटर। उसके बाद दोबारा से इसको एंटर करके नीचे लाइन पर लेफ्ट कर दिया और फॉन्ट साइज को थोड़ा सा कम कर लिया, 16 पे रख लिया। अब कंप्यूटर की फोटो लगानी है तो पिक्चर में गए यहाँ से, और हमारे पास कंप्यूटर की कोई फोटो होनी चाहिए, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में कोई फोटो रखी हुई है, तो यहाँ से जाके मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके यहाँ पर से उस फोटो को सेलेक्ट कर दिया और ये कंप्यूटर की फोटो ले ली हमने यहाँ से, ये देखें कंप्यूटर की फोटो इसके अंदर आ गई। फिर इस पर क्लिक करेंगे, ये इसके कंट्रोल हैंडल्स आ गए, इन कंट्रोल हैंडल्स को पकड़ के हमने यहाँ से इनको इस तरह छोटा कर लिया, इसको भी ऐसे सेंटर भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया इसके और इंटर करके जो भी अब टाइप करना है, अब ये राइट अलाइन हुआ हुआ तो राइट साइड से लिखेगा, मैंने इसको लेफ्ट अलाइन कर लिया तो यहाँ पे लेफ्ट अलाइन से भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मॉडर्न मशीन, ठीक है। और फिर जो मैंने लिखा ये मैच हो रहा है दोनों, तो इनको सोलो को सेलेक्ट कर लिया फॉन्ट को और इसके फॉन्ट को यहाँ से अंडरलाइन और बोल्ड में से हटा दिया, तो ये देखें इस तरह से भी हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं और बाद में अपनी फाइल को सेव कर दिया। तो यहाँ से सेव करके हमने कहीं पे भी जहाँ सेव करना है वर्डपैड फाइल्स के अंदर वहाँ पे हमने सेव कर दिया, एक फोल्डर बना दिया। अब फोल्डर गलत बन गया तो इस पर राइट बटन दबा के आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और अपनी फाइल का नाम यहाँ पे रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इसका नाम रख दिया कंप्यूटर फाइल। तो इस तरह से आप वर्डपैड में मुख्तलिफ फाइल्स वगैरह बना के स्वाइप वगैरह कर सकते हैं। चलिए इसकी वीडियो में